तुम अगर अच्छे से बात करोगे तो बात करेंगे, नहीं है तो कुछ और नहीं बात नहीं कर सकती, नहीं करना मत करो, हमको बात करनी नहीं। तुमने कहा था फोन नहीं करोगे, क्यों किया फोन तुमने? करूंगी मैं, उसके पहले तलाक होना चाहिए। तलाक ले लो, बिल्कुल हमको तलाक में तैयार बैठे। हाँ तो मेरी शर्तों पे दो। हाँ बताओ, मेरी शर्तों पे दो। भेजो, शर्त क्या है? तो मेरा घर खरीदो। हाँ और घर खरीद के दो तुम, वो भी लोन पे नहीं। हाँ तो तलाक दोगे फिर ना? हाँ तो लिख के भेजो, तो मैं तुरंत अभी घर खरीदता हूँ तुम्हारे लिए। लिख के मैं नहीं भेजूंगी, लिख करके नहीं भेजूंगी, पहले दिया जाएगा उसके बाद। नहीं वो तो फिर म्यूचुअल, वो तो नहीं, वो तो म्यूचुअल की शर्त, म्यूचुअल डाइवोर्स की बातों में लिखा था पहले से। जिस दिन रजिस्ट्री होने को होगी उस दिन मैं लिख करके दूंगी। नहीं वो तो ऐसे नहीं होता, म्यूचुअल डाइवोर्स जब होता है तो म्यूचुअल डाइवोर्स में कोर्ट में दोनों लिख के देते हैं। नहीं मैं नहीं मानूंगी इस चीज को, वो तो नियम तो वैसे ही है, नियम तो वैसे ही मान सकती हूँ। तलाक लेने के बजाय तुम क्यों नहीं श्राद्ध करा लेते हो, अपना मुक्ति मिल जाएगी तुमको। अरे तो तुम लोग बेवकूफ समझते हो क्या? मकान भी ले लोगी, गाड़ी भी ले लोगी, पैसा भी लेती रहोगी और रहोगी अपने मन से अपने लोगों के साथ में, हैं? तुम क्यों मकान गाड़ी, तुम क्या गाड़ी दोगे, तुम्हारी औकात है? वरना गाड़ी तो हमने दी ना तुमको, वरना जैसी कोई गाड़ी होती है उससे बेहतर गाड़ी में हम चल रहे थे। और जिंदगी भर सेकेंड हैंड गाड़ी में घूमी हो, पहली बार तो फर्स्ट हैंड गाड़ी लेके चल रहे हो तुम, कौन सा सेकंड हैंड नहीं लेकर के चले, लोन पे ही तो लेकर के चले, कौन सा तुम हो तो लोन तो बड़े लोग लेते थे। सेकंड हैंड कौन कहता है सेकंड हैंड थी, कौन कहता है जिंदगी भर तुम सेकंड हैंड पे चलते थे? हमको नहीं आता था, तुमने तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी होती थी? तुम्हारे पास गाड़ी तक नहीं थी जब मेरी मारुति 800 को तुमने गिराया। तुम्हारे पास गाड़ी थी तुम्हारे पास गाड़ी चलने के लिए, क्यों तुम्हें? सुनो ना, आज अगर तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे, हम बता दिए ना, तुम गंदा बोलोगे हम भी गंदा बोलेंगे। हाँ लड़ो लड़ो, अब तुम्हारा शुगर बढ़े या कुछ बढ़े हमने सोच लिया ना। तो सुनो, जो 4 महीने में वहाँ पे हुआ था कांडो ना, कर लो आके, फिर आके कर लो। सब तुम्हारे बारे में पूरा शहर जान गया है, पूरा खैरागढ़ सब लोग जान गए, किसी को नई बात बची निकलने के लिए। पूरा शहर खाली पैसे के लिए औरत ने शादी की और पैसा मांग के जी रही, बस और कोई काम नहीं इसके पास। सबको पता है कि तुमने धोखा देके शादी किया, सबको पता है। हाँ तो हमने धोखा दिया, तुमने शादी क्यों किया? और तुमने भी धोखा दिया शादी की। तुम्हारी कंपनी में ऑब्जेक्शन लगाऊंगी, अभी रस्टी को फोन करती हूँ, जमीन तुमको देंगी मैं ऑब्जेक्शन लगा दूंगी, देख दिखा नहीं पाओगे तुम। अरे तुमको जो करना है मैं भी स्वीटी को बोल रही हूँ। हाँ तुमको जो करना है आप दो, जमीन दो, मैं ऑब्जेक्शन लगा दूंगी, बेचने नहीं पाएगी तो मेरे से रिक्वेस्ट करने मत आइएगा। हाँ तुमको जो करना है करो। ओ बहुत इतना दिखाने की तुम कोशिश कर रहे हो। तो अच्छे से बात करोगे तो अच्छे से बात करेंगे, गंदगी करोगे तो गंदगी। क्योंकि मैं ना सुनो ना, मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ और तुमको समझ गया हूँ। तुम झेल कुछ नहीं गए हो, तुमको तो मैंने कहा ना, मैं तुमको कह रही हूँ तुम्हारी तो जिंदगी ही लंबी नहीं है। अरे मैं जब मरूंगा टेंशन ले रहा हूँ। वो विजय बहुत बहुत सबकी हाई हत्या लिया था ना, वो भी उस औरत को धोखा देके बैठाना था ना, चला गया ना साला कुत्ता। तो विजय को जो बात किया, तो विजय को बकना से मेरे क्यों बक रहे हो भाई? चला गया ना अपनी करनी से गया ना, बहुत भोग के ऐसे ही जाते हैं इस टाइप के लोग। अच्छा वो तो तुम पे भी लागू होती है? हाँ मेरे पे लागू हुई, मेरे को तो देखो भगवान ने अस्पताल के अंदर से सही सलामत भेज दिया, अपनी देखो। और फिर आएगा, मैं तुमको कहती हूँ, फिर वो दिन आएगा, फिर वो सिचुएशन आएगा तो आएगा, उसमें आगे मर जाएगा क्या होगा। मैं वहाँ से कह के आई थी कि देवव्रत सिंह तुम बेड पे हो गए और मैं आऊंगी, मैं बोल के आई थी। तो भैया ये बताओ, करुणा तो 1 करोड़ आदमी करुणा को भाई, तुम बेड पे थे और मैं आई थी, और अब मैं तुमको कहती हूँ कि इससे भी बदतर हाल होगा और तब अब मैं भी दूर से देखूंगी, समझे? अब तुमको मैं बर्तन धो दो के खाना तुम्हारे मुंह में नहीं खिलाऊंगी हॉस्पिटल के अंदर, अपनी जान जोखिम में डाल के, समझे? और अगर मैंने छोड़ दिया होता अंदर तो तुम बच के बाहर नहीं आते। अच्छा बेवकूफी वाली बातें क्यों करते यार? तुम सोच रहे हो कि तुम एस्टेरॉइड पापा के वहाँ पे जिंदा बच जाते। अरे तुम डॉक्टर भी हो क्या? नहीं मालूम था। तो दोबारा देखो, हम कह रहे हैं ना कोई नहीं, ऊपर वाला दिखाएगा। और तुम ऊपर वाला दिखा देगा ना भाई, ऊपर वाला तो भगवान है, वो चाहे जो दिखा दे। कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना तुम भी भगवान बन गए क्या? और कोरोना दोबारा इंजेक्शन लगाने से कोरोना नहीं रुकता, तुम भी भगवान हो ना। और अभी जो तुमने वैक्सीन लगाई है ना, तुम इसी के असर देखना तुम्हारे ऊपर कितने तरीके के बनते हैं। अभी वक्त बीतने तो दो। जिस तरीके से तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम्हारा घमंड नहीं है, अब तुमको इसी लैंग्वेज में जवाब दो कि जिस लेवल पे तुम बात करते हो उसी लेवल पे तुमको जवाब मिलना चाहिए। अब मैं भी समझ गई हूँ कि जिस लेवल की तुम हरकत कर रहे हो, तुमको केवल पैसे से मतलब है, तुमको केवल पैसा चाहिए तो तुम लड़ती हो, पैसा खत्म हो जाता है। और किस चीज से मतलब हो, बताओ जरा मुझे, और किस चीज से मतलब हो, और तुमने अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए शादी की, तुमको कस्टडी मिल गई, अब तुम खर्चे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? खर्चे कम नहीं दिए, अपना अकाउंट देखो, अपना अकाउंट देखो कैसे काम चलेगा भाई? 2016 से लेकर अकाउंट देखो ना अपना भाई। तो आपके तुमने खैरात दिया है, नहीं खैरात नहीं दिया है, खैरात नहीं, वो खैरात है, वो मेरा हक है, मैं कह तो रही हूँ। ठीक है तुम चलो बेचो, मैं ऑब्जेक्शन लगा रही हूँ, तो जाओ ऑब्जेक्शन लगाओ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बेवकूफ औरत इतनी दूर पड़ी हुई हूँ और तुम गुलछर्रे उड़ा उड़ा करके वहाँ पे है, गुलछर्रे उड़ा उड़ा के तुम ये दिखा रहे हो, उल्टी बात हो रही है, तो ठीक उल्टी बात हो रही है। मेरे बेवकूफ आदमी यहाँ बैठा हूँ, मुझे 60 लाख में बैठ के चलना है और मैं औरतें रिझाऊंगा 60 लाख में बैठ बैठ के। अरे मैं समझ नहीं गया हूँ क्या, मैं दर बदर, मैं यहाँ पे दर बदर घर के बगैर यहाँ वहाँ मेरा सामान चुकवा रहे हो और खुद तुम 60 लाख की गाड़ी में बैठ के चलोगे, ये बताते हो मुझको? नहीं, मैं 60 लाख में घूमूं कि 6 लाख में घूमूं, तुमको क्या करना उससे? घूम के दिखाओ तो, तुम खरीद के दिखाओ तो, 60 लाख में चल के दिखाओ तो तुम। अरे मैं 60 लाख में घूमूं या 6 लाख में घूमूं, तुमको क्या करना उससे? समझ गए, जिस दिन तुम घूम के दिखाओ तो। मैं तो घूमूंगा, घूमना होगा तो। अच्छा घूमो, औकात है तो तुम खरीद के दिखाओ। जिस दिन तुमने खरीदा या जिस दिन तुमने कोई भी ऐसी चीज में हाथ लगाया उसी दिन मैं ऑब्जेक्शन लगाऊंगी। और मैं स्वीटी को कहने जा रही हूँ कि अगर मैं ऑब्जेक्शन लगाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप मेरे से ये कहिए कि ऑब्जेक्शन हटा लो, मेरी जमीन फंसी है, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं स्वीटी बोलने की, तो मैं तुम्हारी स्वीटी बोलने की हिम्मत ही नहीं है। बोल दूं मैं, कॉन्फ्रेंस में रहो, तुम बोलो, मैं क्यों बोलूँ? मैं कॉन्फ्रेंस में ले रही हूँ, रुको मैं बोल के दिखाती हूँ।